गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर रीड कर रहे हैं, जिसमें कि हमने इलेक्शंस के रिगार्डिंग डिस्कस किया है अभी तक, कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं, कैसे कौन कौन से मेथड्स होते हैं इलेक्शंस के, जिसमें हमने FPTP और PR सिस्टम का पढ़ा था जो कि इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किन बेसिस पर होते हैं। हम थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं, आज हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो स्टूडेंट्स देखिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के रिगार्डिंग मीन्स ऑफ एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सबसे पहले आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आपने पढ़ा भी होगा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है कि एक मिनिमम एज होती है वोटर्स की, जैसे इंडिया में ये 18 ईयर्स की है, तो 18 ईयर्स से अबव के जितने भी लोग हैं उन सभी को वोटिंग का अधिकार होना, ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है। देखिए इंडिया में जो इलेक्शन है आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, की यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर बेस्ड होते हैं। और यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन होता है वो एक वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करता है, जिसमें कि उनका नाम होता है जो सभी एलिजिबल होते हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं। और देखो आपको मालूम है कि इलेक्शंस कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है इलेक्शन कमीशन की, कि इलेक्शन कमीशन जो होता है इलेक्शंस के रिगार्डिंग सारे काम वही करता है। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, लेकिन अभी हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो यहाँ पर एक टेबल दिखा रखी है जिसमें कि मिज़ोरम के वोटर्स के बारे में बता रखा है, उनकी डिटेल्स दिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये देखिए आपका एपिक नंबर जो होता है, ये एक आपका जो कि एक वोटर नंबर होता है, आपको इन चीज़ों के बारे में है। ओके अब हम बात करते हैं, देखिए अडल्ट फ्रेंचाइज की, अडल्ट फ्रेंचाइज जो है, अडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट राइट टू वोट और सफरेज और फ्रेंचाइज इज अवेलेबल टू ऑल अडल्ट सिटीजंस ऑफ ए कंट्री विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, के बिना डिस्क्रिमिनेशन के सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार होना, यही एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। देखिए इसमें इंडिया में जनरली जो फॉलो किया जाता है इसके रिगार्डिंग, शुड बी ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि कंट्री का सिटीजन हो चाहिए, यानी कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और सेकंड उसमें दे रखा है मस्ट हैव कम्प्लीटेड द एज ऑफ 18, कि उसने 18 ईयर्स की एज कम्प्लीट कर ली हो। थर्ड ये कह रहा है शुड नॉट बी बैंकक्रप्ट, कि कोई बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, सफरर ऑफ लेप्रोसी और एन अनसाउंड माइंड, मींस कोई आप कह सकते हो पागल अनसाउंड माइंड ना हो, बैंकक्रप्ट ना हो, बैंकक्रप्ट यानी कि दिवालिया, जिसने बैंक से लोन लिया हो चुकाया ना गया और अपने आप को बैंकक्रप्ट कर लिया हो। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब ये उसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है एक वोटर के लिए। Likewise, a person can be debarred from voting in the following conditions, कि कह रहे हैं कि लोगों को वोट देने से मना किया जा सकता है, उसके लिए कुछ conditions है। देखो has renounced Indian citizenship, कि जिसने Indian citizenship खत्म करा लिया, यानी कि देखो उसने पहले जैसा हमने पढ़ा था कि should be a citizen of the country, अगर जब वो वहाँ का citizen ही नहीं है तो वोट देने का अधिकार नहीं है। has been convicted for treason, कि उसने देश को धोखा देने के लिए को उसको सज़ा दी गई हो उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। हैज़ बीन डिबार्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर फैनिंग कम्युनलिज्म और रिलीजियस हेटर टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज़, कि इलेक्शन कमीशन ने उसे ये पाया हो गया हो कि वो जो हमारे यहाँ पर रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके बीच में वॉयलेंस को बढ़ा रहा है, वॉयलेंस फैला रहा है, उसे वोट देने से मना किया जा सकता है। हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज बैंकक्रप्ट और इनसेन, और यदि कोई बैंकक्रप्ट है या इनसेन है, कोई पागल आदमी है, तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। अब देखिए जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की कुछ मेरिट्स हैं, देखिए मेरिट्स में क्या है, इस एस्टेब्लिश पॉलिटिकल इक्विटी, कि पॉलिटिकल इक्विटी देता है, पॉलिटिकल इक्विटी सभी को वोटिंग का अधिकार। सेकंड कहता है द लॉ ऑफ द स्टेट अफेक्ट्स ऑल पीपल, हैंस ऑल ऑफ देम शुड पार्टिसिपेट इन मेकिंग सच लॉज, देखिए गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट के जो कानून होते हैं सभी लोगों को अफेक्ट करते हैं, और इसमें सभी लोगों को मतलब वोट देने का अधिकार होना चाहिए, कानून बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। देखो कानून गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट को चुनने वाले हम लोग हैं, तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल कंसियसनेस अमंग द मासेस, कि जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है ये लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंसियसनेस या कह सकते हो जागरूकता बढ़ाता है। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म, कि देशभक्ति की एक भावना
को क्रिएट करता है, स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी, देश की यूनिटी को मजबूत करता है, एज द राइट टू वोट इज अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि राइट टू वोट जो है वो सभी लोगों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के दिया हुआ है। इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़, और ये माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये उसकी कुछ मेरिट्स हैं। अब इसके बाद आता है कंपोजिशन, मल्टी मेंबर कमीशन, यानी कि मैं अभी आपको बता रहा था कि ये इलेक्शन कमीशन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शंस को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इलेक्शन कमीशन की होती है। तो देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो एक मल्टी मेंबर कमीशन है, मल्टी मेंबर की मोर देन टू, कि दो से ज़्यादा इसमें मेंबर्स होते हैं, टू और मोर देन टू। तो देखिए, द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कि देखिए इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, सीईसी जिसे हम बोलते हैं, जिसे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ओके, चीफ इलेक्शन कमीशन 1989 तक हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन था वो वन मेंबर कमीशन था, वन मैन कमीशन था, कि केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होता था। 1989 में इसे थ्री मेंबर कर दिया गया, तीन मेंबर कर दिए, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से इसे वन मेंबर का कर दिया गया, और लास्टली 1991 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो कांग्रेस ने इसे दोबारा से मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया गया। ओके, तो ये मल्टी मेंबर कमीशन है कि जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, तो टोटल तीन होते हैं। ओके, और देश में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उन सभी को कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, सिर्फ एक लोकल इलेक्शंस को छोड़कर, जो हमारे यहाँ पर पंचायत के और म्यूनसिपल कमेटीज़ के जो इलेक्शंस होते हैं इन्हें छोड़कर बाकी जितने भी इलेक्शंस होते हैं उन सभी को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की होती है। देखिए, अब यहाँ पर आ भी जाता है कि फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, कि इलेक्शन कमीशन के काम क्या है। देखिए, द इलेक्शन कमीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि इलेक्शन कमीशन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इलेक्शंस हो पूरी तरह से फ्री एंड फेयर मैनर में हो, कि किसी प्रकार की कोई भी उसमें धांधलीबाजी ना हो। इट डज दिस बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग, और ये इसी कैसा पूरा करती है, ये फंक्शन जो है इनको परफॉर्म करके। फर्स्ट देखिए, इट्स सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कि प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी इलेक्शंस हैं उन सभी को सुपरिटेंड करती है, डायरेक्ट करती है, उन्हें कंट्रोल करती है, यानी कि पूरी तरह से कंट्रोल उसके पास होता है, पूरा अधिकार उनके पास होता है। इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर प्रिपरेशन, रिवीजन एंड अपडेटिंग ऑफ वोटर लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, कि जो वोटर लिस्ट होती है उसे प्रिपेयर करने का काम अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर, कि उसको प्रिपेयर करने का काम, उसे रिवाइज करने का काम और उसे अपडेट करने का काम जो काम करता है ये कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अपने कुछ जो मेंबर्स होते हैं उन्हें को इनकी ड्यूटी लगा देता है, वो इनको अपॉइंट करते हैं, वो इनको अपडेट करते हैं। इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इट फिक्स डिटेल प्रोग्राम्स फॉर द कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस एंड बाई पोल्स। देखिए, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंटर में इलेक्शंस कराने हैं पूरे देश में तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, किसी पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शंस कराने हैं तो उस वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से, ये कंसल्ट कर जो इलेक्शंस हैं उनका प्रोग्राम फिक्स करते हैं कि कब इलेक्शंस होने चाहिए, कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, मीन्स वो सारी चीज़ें। और इलेक्शंस भी तीन तरह के हैं, एक जनरल इलेक्शंस, एक मिड टर्म इलेक्शंस और एक बाई पोल्स, तीन तरह के हैं, ये आप पहले पढ़ भी चुके होंगे, इनके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो ये तीन तरह के इलेक्शंस हैं, जनरल इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस एंड बायपोल। तो उनका सारा प्रोग्राम ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट कर डिसाइड करते हैं। इसके बाद आता है, इट डिलिमिट्स द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इलेक्शंस आफ्टर एवरी सेंसस, कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में हमने पढ़ा था कि एक वार्ड जिसे हम बोलते हैं, कि हर सेंसस के बाद, सेंसस यानी कि एक जनगणना जो होती है 10 सालों के बाद, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती है उनको डिलिमिट्स करती है, मीन्स बढ़ा भी सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। सिंस इट होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्शंस फ्रीली, कि इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंडक्ट कराएं, फ्रीली कंडक्ट कराएं इलेक्शंस को, इट एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर इलेक्शन मशीनरी, तो इलेक्शन जो मशीनरी यानी कि जितने भी मेंबर्स वगैरह उन सभी पर इनका पूरा कंट्रोल होता है, एंड इशू डायरेक्शंस रिगार्डिंग इलेक्शंस, और इलेक्शंस के रिगार्डिंग जो डायरेक्शन होती हैं उन्हें इशू करते हैं। इट फिक्स द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, कि नॉमिनेशन पेपर्स भरने की डेट, कि या एक जनरली जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म फिलअप करना है,
उसकी डेट ये खुद फिक्स करते हैं, स्क्रूटनी होती है उसमें से छटनी होती है, एंड विड्रॉल, और अगर कोई नाम वापस लेना चाहे तो उन सभी की एक डेट फिक्स की जाती है। इट ऑल्सो फिक्स द डेट ऑफ पोलिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और इलेक्शन डेट की कब इलेक्शंस होगा, कब रिजल्ट अनाउंस होगा, ये सभी चीज़ें वो फिक्स करती है जितनी भी डेट्स है इलेक्शंस के रिगार्डिंग। इट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज एज नेशनल और रीजनल, यही डिसाइड करती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एक नेशनल पार्टी और कौन सी पार्टी एक रीजनल पार्टी है। इट इशूज ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट टू डिप्लॉय रिक्वायर्ड पुलिस पर्सनल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर पास करते हैं कि जिसमें ये कहते हैं कि भाई पुलिस का इंतजाम कराया जाए जिससे कि जो इलेक्शंस हो वो स्मूथली हो सके। इट इवन अलॉट सिंबल टू कैंडिडेट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, सिंबल्स अलॉट करते हैं अलग अलग पार्टीज़ को, कुछ पार्टीज़ के तो ऑलरेडी होते हैं और कुछ नई पार्टीज़ या नए कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये अलॉट करते हैं सिंबल्स। इट मेक अरेंजमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ पोलिंग बूथ्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिक्वायर्ड स्टाफ फॉर कंडक्ट ऑफ पोल्स, कि पोलिंग बूथ्स बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पर इलेक्शंस कराने हैं, कि जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहे हैं तो वहाँ पर किस पर्टिकुलर जगह पर इलेक्शंस कराए जाएंगे तो उनका अरेंजमेंट करते हैं, और इसके अलावा इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जो भी स्टाफ की जरूरत है उसको अपॉइंट करते हैं। इट फिक्स्ड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड एक्सपेंस सीलिंग फॉर ऑल कैंडिडेट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसे आचार संहिता बोलते हैं, ठीक है, कि उनके रिगार्डिंग कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको फिक्स करते हैं, और जनरली जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका जो एक्सपेंस वगैरह होता है उस पर भी रोक लगाते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एक लिमिट बनाई हुई है कि इससे ज़्यादा आप पैसा खर्च नहीं कर सकते, और जनरली पार्टीज़ को कैंडिडेट्स को जितना भी पैसा खर्च किया है उसका एक ब्यौरा, उसका एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, बिल्स वगैरह देने पड़ते हैं। इट सेटल्स इलेक्शन डिस्प्यूट एंड पिटिशंस रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट, कि इलेक्शंस के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट्स है कोई पिटिशंस है प्रेसिडेंट उनके पास भेजता है तो ये उसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्शन कमीशन के वर्क्स होते हैं, ओके, कि इलेक्शन कमीशन के क्या क्या काम होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने आज जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के रिगार्डिंग कैसे कंडक्ट कराए जाए, और दूसरा हमने पढ़ा है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है उसका क्या रोल है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।